समय पर समय समय पर लिया जाएगा वीरेंद्र और संजय से समय पर समय पर सफर लिया जाएगा। माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री ललित कुमार यादव, माननीय सदस्य राम मनोज प्रसाद रानू जी, भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र जी बोलिए आपका। माननीय सदस्य संघ सराबगी जी, अध्यक्ष महोदय, ये जो मामला है मैंने बताया और इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि 18,279 अतिक्रमित जल स्रोतों में 1,700-425 जल स्रोतों से अतिक्रमण हटा लिया गया। सरकारी दावों में अध्यक्ष महोदय संदेह उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होने का निश्चित कारण भी है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय क्या ये बिहार दरभंगा शहर बिहार से तो अलग नहीं होगा? तो दरभंगा शहर में तो हम लोग देख रहे हैं पूर्ण रूप से कोई जो है अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक विषय रखना चाहता हूँ, फिर मैं पूरक प्रश्न पूछता हूँ। 17/3/22 को अध्यक्ष महोदय विधानसभा में मैंने उठाया था कि 46 पोखर दरभंगा शहर अतिक्रमण मुक्त है, और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अप्रैल मई में अतिक्रमण मुक्त करा देंगे। फिर मैंने कहा था कि क्या जुलाई में जो सेशन प्रारंभ हुआ उसमें विधानसभा में रिपोर्ट देंगे? तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि विधानसभा में का सत्र प्रारंभ होने के पहले ही माननीय सदस्यों में रिपोर्ट दूंगा, यही प्रोसीडिंग लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय। लेकिन अभी तक एक तालाब अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। और अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में जो है क में है कि खेसरा स्वीकार किया है कि हाँ ये सभी सरकारी जो है नासी है, तालाब है, डरा है, और इतनी नहीं अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी संख्या में। माननीय सदस्यों से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर रहें, आपकी सारी बातें सुनी जाएगी, स्थान पर रहा जाए। माननीय सदस्य आग्रह कि अपने अपने स्थान पर जाएं, आप लोगों की बात सुनी जाएगी, अपने स्थान पर जाएं कृपया। माननीय सदस्यों से आग्रह कि अपने स्थान पर जाएं, आप अपने स्थान पर जाइए, आप लोगों की बात सुनी जाएगी, लेकिन अपने स्थान पर जाइए, आप अपने स्थान पर आइए। आप लोगों से आ रहा है कि अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर जाइए, अपने समय पर आप लोगों की बात सुनी जाएगी, अपने स्थान पर जाइए। समय पर आप लोगों की बात सुनी जाएगी, कृपया स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर। आप लोग पहले सबका समय है, अभी प्रश्न काल है, अब आप लोग बैठिए, आपके समय पर आपको समय मिलेगा, आपको जाइए बैठिए। अभी सबका समय निर्धारित है ना, प्रश्न पर काल चले दीजिए, जब हमारी आएगी तो आप लोगों को बात लग जाएगा। हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब अध्यक्ष महोदय, माननीय महोदय, माननीय मंत्री आगे सुनो। हाँ अध्यक्ष महोदय, तो मैं ये माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ, पूर्ण प्रश्न है मेरा कि जो जो मैंने कहा मंत्री जी ने कहा स्वीकारात्मक है, डबरा सरकारी है, अतिक्रमण कर लिया गया, तो मेरा यह कहना है अध्यक्ष महोदय, पूरा जल भरा होता है शहर में नाला अतिक्रमित करने के लिए, बरसात पूरा पानी शहर में भराता है अध्यक्ष महोदय, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि समय सीमा पुनः, क्योंकि पहले वाले समय सीमा में सरकार फेल हो गई, माननीय मंत्री जी भी फेल हो गए, तो पुनः समय सीमा जो है सरकार निर्धारित कर दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कब तक जो है ये सब जो माननीय मंत्री ने मंच में बोला, पुनः माननीय सदस्यों से आग्रह है कब तक जो है अतिक्रमण हो जाएगा। आप लोगों से आग्रह
अपने स्थान पर जाए। माननीय सदस्य का कहना है सरकार सरकार फेल नहीं होती है, मंत्री फेल होते हैं। कार्रवाई हो रही है तो इनको मालूम भी होगा, इनके प्रश्न का जब उत्तर मैंने पिछले में भी दिया था। और पूरे बिहार में मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 1644 कल सदन ने हमें जवाब दिया था 1556 और टोटल ब्रिज फुट हुआ है 1644 पूरे बिहार में अतिक्रमण खाली हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के कार्य में फिर नरेंद्र मोदी हाय हाय का नारा लगना कहीं से उचित नहीं है, इसको रोक लगाइए महोदय। नहीं इस तरह से नहीं चलेगा। अब सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।